सर गाइस फाइनली डायनासोर पार्क पहुंच चुके हैं। यहां के जानवर गाइस जंगल से निकल के बाहर यहां पे आ चुका है इंसानों के बीच में। तो है दोस्तों नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल गाइस, स्वागत है आपका मेरे डेली ब्लॉग में। तो गाइस आप सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज दिन 1 तारीख हो गया, तो गाइस आपको मैं घुमाने जाऊँ चिड़ियाघर। जैसे तो ये नया साल आपके लिए गाइस नई खुशियाँ नई उमंगे और बहुत सारी खुशियाँ ने कहें। फाइनली गाइज अंदर आ चुके हैं हम जू के। गए क्राउड गई आज गई क्राउड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि क्या आज पता है आपको हैप्पी न्यू ईयर भी है और गई नवा साल है तो सबकी छुट्टी होती है हॉलीडे और सब इन्जॉय कर नए नवा साल का पहला दिन। कैसी कहा हुआ था कि पहला दिन अच्छा रहेगा कि सारा दिन अच्छे रहेंगे ऐसे भाई बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ठीक है। तो भैया आपसे आपको दिखाते हैं शेर चीते भालू हाथी घोड़ा बंदर कुछ पेंटिंग बनी हुई दे सकते हो दीवार पे क्योंकि और बैटरी सकेंगे 60 रुपये टिकट है और वही बच्चों को नहीं फ्री है 3 से नीचे के लिए। कहीं धूप सनसेट निकल चुका है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो तो गाइस जैसे धूप का लेते हुए यहाँ पे बंदर जी हमारे जय हनुमान जी। यहाँ पे कहीं मंकी है छोटे मंकी है बट गई वहाँ बड़ा मंकी था छोटा मंकी है जिसके नाम से यहाँ पिग टाइन डिड देखिए यहाँ गई यहाँ पे पिक्चर इसकी और सामने बैठा हुआ। तो गाइस ये छोटी बकरी जैसे सकते हो पहाड़ी बकरी है जो अभी घास खा रही थी अब हमको देख के घास खाना बंद कर दिया इन्होंने। गाइस इसके दो सिंगे भी हैं चिट्टी चिट्टी छोटी छोटी और सर घर हो रहा है ऊपर घर है। तो गाइस गई यहाँ से लेफ्ट साइड में एक टाइगर है वहाँ चलते टाइगर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस बहुत ही यहाँ पे क्राउड है जैसे कितने जनसंख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे गाइस घूमने और नवा साल इंजॉय करने जा सकते हो। गई मेरे आगे भी है और गई मेरे पीछे भी जैसे तो दिख रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह की गाड़ी मिल जाएगी ऑटो बैटरी रिक्शा जैसे तो गई 3 साल से नीचे की नहीं गई फ्री है बाकी सबके लिए 60-60 रुपये। तो गई फाइनली टाइगर पॉइंट पर पहुँच चुके हैं हम जैसे तो ये सामने टाइगर है। तो गई वहाँ पर गई बिग क्राउड ज़्यादा है इसने क्योंकि टाइगर है जो उस साइड है इसने क्राउड ज़्यादा वहाँ पर तो वहाँ चलते आपको दिखा रहे हैं टाइगर लेटे पड़े होते हैं। एक वो व्हाइट वाला उधर है वो बच्चा है वो बच्चा है। तो गाइस जैसे तो टाइगर ये धूप सीखने के लिए निकलना घूम फिर घूम रहे। तो गाइस जैसे तो यहाँ पे थक के बैठ गए हमारे बाघ। तो दोस्तों हमें देखना व्हाइट टाइगर पर गाइस कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों कहीं भी दिख रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिखाएंगे यार हम पता नहीं कहाँ बैठा छुप के। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लगता कुछ कोई अनोखा जानवर है भीड़ दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पे लोग किस तरह देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं दे सकते हो। तो भाई हम भी देखते हैं आपको दिखाते हैं ठीक है कितनी भीड़ में से कैसे जाएंगे हैरान कोई हिप्पोपोटामस है हिप्पोपोटामस दो हैं एक एरा एक ओरा गजे की पीठ दिख रही है एक मुँह दिख रहा है तो हिप्पोपोटामस गाइस अभी दो हैं गाइस देखते पानी में डूब गया एक दिख रहा है बाहर देख सकते हो आप। तो दोस्तों सामने व्हाइट बियर देख सकते हो गाइस हिरन सामने व्हाइट हिरन गई 4-5 है जोड़ा है निकल सकते गाइस जैसे 4-5 हिरन है दिख रहे हैं सामने आपको ये देखो आप दिख रहे होंगे ना देख सकते हो गाइस गाइस फाइन एलिफेंट पॉइंट पे आ गए और गाइस यहां पे सामने 3 एलिफेंट देख सकते हो गाइस एक छोटा सा गाइस यहां पे छोटा मोर भी है देख सकते हो गाइस सामने मोर दिख रहा है आपको ये उड़ने के साउंड देखो। और दोस्तों यहाँ पर गई टॉयलेट की सुविधा भी है गई हर 5 मीटर पर आपको टॉयलेट मिल जाएगा जैसे कि पीछे मेरे जैसे ये दीवार है टॉयलेट है गई ये भी ठीक है। गई यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर गई भीड़ लगी हुई है देखते हैं यहाँ पे क्या है नहीं है। तो गई देख सकते हो गई कितना बड़ा है ये और गई इसमें छोटी सी बिल्ली है जो कि रोज़ देखते हैं हम देख सकते और दोस्तों यहाँ पे गई कैंटीन भी 3-4 है जैसे कोई कैंटीन सामने कैंटीन आ गई और गई भीड़ बहुत है यहाँ पे तो गई हम कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ पे और गई बस भी चलती है वैसे तो गई ये बसें और लिया और जो आपको पूरा जू घुमाएगी जंगल के बीचों में से जैसे तो गई यहाँ पे टिकट लगती है टिकट भी है यहाँ पे
तो टिकट गई 75 रुपीज़ है पर पर्सन है, दे सकते हो सामने। और गई सामने ये हमारा कैंटीन, जिसे आप कुछ खा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। नोइन सफारी है बसें, गई नोइन है नहीं यहाँ पे, गई नोइन के जंगलों में नहीं है बीच में, तो गई वहीं पर नहीं जाएंगे, बसें आपको दिखाएंगे। अच्छा तो गई 75 रुपये टिकट है पर पर्सन। और गई भीड़ तो कितनी सारी है, कोई कभी मौका होगा हम भी घूमेंगे, इतना बजट नहीं हमारे लिए। देख गया तो दोस्तों ऐसा होने वाला, तेंदुआ वो भी दो हैं, एक वो देख लो ऊपर देख सकते हो। क्या जान ऊपर इसका लबर अपना वो वॉक पे है जी। ये तो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो अगर जवाड़ा फाड़ रहा है, तोड़ दे बस बाहर ना आई गई, जाली तोड़ते हुए बाहर आंखें देखो ये फाड़ते कितना एग्रेसिव हो रहा है लोगों को देख के। और ये गई जाली तोड़ते हुए वो जहाँ निकला पट देगा दबड़ा नहीं, क्या दबड़ा नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों घात लगाए दो शिकारी और सामने उनका शिकार देख सकते हो आप। दोस्तों आपने गई देखा पीछे गई एक तेंदुआ ना, गई एक चीता भी एग्रेसिव हो गया था और गई अपने दांतों से ना वो जानवर को काट रहा था। एक आपने देखा कि यहाँ के शिकारी और शिकारी एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब एक साइड ना गई गाय हुई थी, गाय जितनी जानवर था और दो तेंदुए थे, उनको ही देखी जा रहे थे, बार बार देखी जा रहे थे, मगर शिकारी और शिकार एक दूसरे को दोनों देख रहे थे एक दूसरे को एक ही पॉइंट में, ठीक है। तो कहीं अभी जा रहे हैं डायनासोर पार्क की ओर, तो आपको वहाँ का व्यू दिखा दें, ठीक है। तो दोस्तों सामने के जो डायनासोर पार्क आ गए, तो कहीं जो आपको डायनासोर दिखाएंगे, ठीक है। गए लोग जा रहे थे तो यहाँ से जा सकते हो आप, मेन गेट वहाँ से, तो वहाँ से नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ डायनासोर जो कि कई सालों पहले कई सदियों पहले गुजर चुके हैं। जैसे कहीं फाइनली डायनासोर पार्क पहुँच चुके हैं, गए यहाँ से मेन एंट्री होती है, वैसे सामने डायनासोर भी बनवा दे सकते हो आप, ठीक है। चलते भी दिखाता हूँ अंदर। दोस्तों बहुत ही इंजॉय आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और देखते हैं आपका आशा करता हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा यहाँ पे डायनासोर देख के। तो फिर सामने कहीं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा डायनासोर है तो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को। चलते अभी जैसे तो इसकी आँखें का बहुत ही ड्रामा लग रही है, लोगों को कहीं डरा रही है आँखें देख सकते हो। पानी एक ब्रिज आ गया जो कि बहुत ही ऊंचाई पे ऊंचाई बना हुआ है, चलते हैं ब्रिज के ऊपर। और यहाँ से क्या कौन से डांस दिखते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ का भी, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, तो गाइस मैमी चोरस गाइस डांस हो रहा है, देख सकते हो गाइस कितना बड़ा इनकेंटिवर गाइस, लुक एट दैट गाइस, बहुत ही बड़ा बहुत ही खतरनाक डांस हो गाइस, मूव कर रहा है गाइस, जिसका माउथ गाइस मूव कर रहा है। और गाइस ये एक गाइस इस डांसों की खासियत है, गाइस ये वेजिटेरियन मतलब गाइस जब घास फूस खाता था कोई जानवर जानवर नहीं खाता था गाइस, जैसे तो गाइस मूव कर रहा है पूरा। देखते हैं हम कौन सा डांस हो रहा है टायरन के अंदर और आपको दिखाते हैं गाइस, एक टायरन फोरस डांस हो रहा है, टायरन फोरस डांस हो रहा है, कितना ड्रामा लग रहा है, लुक एट दैट। इस तरफ से गाइस हमने एंट्री करी थी उस तरफ से, और इस तरफ से गाइस बाहर को जा रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस ये डांस हो गया, स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कई झूले टाइप का बनाया है, कई बच्चों को एंजॉय करने के लिए बना दिया उन्होंने लोगों ने, जिसमें कई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं डांस हो के स्ट्रक्चर के साथ। तो दोस्तों आप अडॉप्ट कर सकते हो जानवर, देख सकते हो यहाँ पे, तो गाइस लिखा है अडॉप्ट गाइस, यहाँ पे एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन पिपन टू, ठीक है। और गाइस यहाँ से कोई भी जानवर पर वो कर सकते हो अडॉप्ट कर सकते हो, और इसकी प्राइस जैसे नौ गाइस 1,72,000 है, और नियमित में साल में गाइस 20,00,000 2,64,000 है, ठीक है। और गाइस बंदर है, तेंदुआ है, हाथी है, ठीक है। तो गाइस इनमें से किसी को जानवर को आप अडॉप्ट कर सकते हो,
अगर आपके पास उतना पैसा है तो गाइस सामने हमारा ट्री हाउस देख सकते हो, लेकिन ना मोटा पेड़ है बरगद का। साइलेंट ट्री हाउस के ऊपर चढ़ रहे हैं हम, देख सकते हो आप बाबू। हेलो, तो दोस्तों यहाँ से गाइस व्यू देख सकते कितना अच्छा आ रहा है। साइलेंट ट्री हाउस नीचे आ गए हम, देख सकते हो यही ट्री हाउस है सामने। एक जानवर गाइस जंगल से निकल कर बाहर यहाँ पे आ गया, इंसानों के बीच में गाइस। ये नील गए हैं, इसको नील गए कहते हैं। जैसे कितने शांत स्वभाव की है, बट गई बहुत ही तेज भागती हैं, तो गई दौड़ती बहुत तेज हैं ये। इनकी नाक, इनकी गई आँखें के पास कुछ छुपा गया इसके यहाँ पे ना, दो दो नाक हैं गए इनकी निकल गए। जैसे तो गई वो दांत दिखा रही निकल गई, इनकी आँखें गई, इनकी आँखों के पास भी नाक है। दोस्तों शायद आपने कभी व्हाइट पिकॉक को दिखा होगा, तो गई मैं आपको फाइनली दिखाने वाला हूँ गई। ये पोस्टर में रियलिटी दिखाऊंगा आपको गाइस, ये रियलिटी है। देखो गाइस व्हाइट पीकॉक अभी गाइस एक नहीं दो है, देख सकते हो गाइस व्हाइट पीकॉक है। और गाइस अभी खाना खा रही है, देख सकते हो अभी। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक यूनिक क्रोकोडाइल, जैसे तो क्रोकोडाइल एक यूनिक है। इसकी इसका मुंह आगे से तीखा है, सुई की तरह तीखा है, मैं दिखाता हूँ आगे से। तो गाइस देख सकते हो गाइस इसकी मुंह आगे से ना, गाइस इसका आगे से मुंह ना तीखा है, देख सकते हो। तो गई जो बहुत ही देर से गई, दो तीन घंटे हम घूमते घूमते, तो गई खाली ना बस एक लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, चिड़ियों के पॉइंट पे। चिड़ियाघर में चिड़ियाघर चिड़िया देखे तो कोई फायदा नहीं आके, ठीक है। तो गई फाइनली आ चुके चिड़ियाघर में, चिड़िया देखने हम देख सकते हो गई। ठीक है पैरोट है, ठीक है दिखाता हूँ मैं आपको। तो गई पैरोट है, कितने सारे पैरोट है। मीठू 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 मीठू। तो गजी यहाँ बिग पंछी आ गया, देखना भाई मुँह छुपा रहा अपना। ये चिकन बड़ा है, चिकन गजी ऊपर ना बाज बैठा, बाज गज बाज के नहीं रखा है चिकन से। जंगली सांड जो कहते बुल, कहते बुल जंगली बुल, जैसे तुम कितना होगा छोटे वर्ग है कि छोटे वर्ग है, जैसे कितना मोटा कितना तगड़ा है, हत्या कट्टा हो गई चार चार है। तो गाइस देखो कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है गाइस। सिंगर गाइस बहुत लंबी है उसकी। तो दोस्तों स्नेक पॉइंट गाइस बंद है, जैसे तो गाइस ताल लगाओ ना, अगर टाइम ज़्यादा होगा इसने बंद कर दिया इसको। चलते आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस फाइनली कछुआ, जो गाइस कछुआ है पानी के अंदर, दिखने से दिख नहीं रहा पानी के अंदर गाइस, दो हैं। उसके बाद ना हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट पॉइंट है जो कि हम क्रोकोडाइल देखेंगे, ठीक है। ठीक है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चंचन गई पैर पूरे दुखने लग गए हम यार, पैर पूरे आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर सकता हूँ, आपके लिए पैर दुखना कोई बात नहीं, ठीक है। बस आप इंजॉय कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फाइनली गई लास्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट पर जा रहे हैं हम क्रोकोडाइल देखने, ठीक है। जो आपने पीछे क्रोकोडाइल देखा, एक जो ना एक अलग था, यूनिक था, जो कि आप बहुत ही कम मिलते हैं, जिनकी गई चोच ना तिखी थी सुई की तरह, ठीक है। गई आपको अब दिखाएंगे गई कोकोडाइल, रियलिटी कोकोडाइल, जिसके जबड़े गई बहुत ही बड़े होते हैं और दांत गई बहुत तिखे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जा रहे हैं अभी, गई बहुत ही गई पैर दुख रहे हैं, गई भीड़ गई बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो गई फाइनली एंडिंग पॉइंट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज क्रॉस करेंगे हम अभी। गई इतनी भीड़ किसके लिए, कोकोडाइल के लिए गई। कोकोडाइल दो कोकोडाइल गई, वाओ लुक एट दैट, वाओ गाइस देख सकते हो आप। गाइस मेरे पीछे गाइस देख सकते हो भीड़ कितनी सारी है। तो गाइस ये भीड़ गाइस क्रोकोडाइल देखने के लिए है, गाइस दो क्रोकोडाइल है, दो जो मैंने आपको दिखाया अभी, गाइस बहुत ही भीड़ थी इसके लिए। भाई आगे देखते हैं, आगे भी शायद क्रोकोडाइल हो, ये ना इनका एंडिंग पॉइंट है, इसके बाद गाइस कोई एनिमल्स नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ। तो गई जी ये गई मगमच गई दूसरी तरीके है, मतलब गई इसमें इसका गई मौसम तिखे है, स्वीट है दोस्तों, गई कैसे जगह हुआ अभी जगह हुआ आपको क्या देख रहे हो चल लेना। तो गई फाइनली आपको मैंने एंडिंग पॉइंट भी दिखा दिया क्रोकोडाइल का, अब जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। चलते हैं अभी, मैं सामने गई फोटो शूट के लिए बनाया गया, तो हम भी यहाँ फोटो शूट कराएंगे, ठीक है। गई भीड़ बहुत लगी हुई यहाँ पे। तो गई जी फाइनली गई लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, और आपको दिखाएंगे बत्तख। अभी छोटी सी झील बनाई गई है, छोटी सी झील, जैसे तो गई छोटी सी झील है, इसमें गई जो बत्तख है कितने सारे गए, कितने सारे हैं वो सारे गई सारे सारे वाइट ही हैं, बहुत ही अच्छे लगे देखने में, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। नुक्कड़ डैट गाइज, नुक्कड़ डैट
एक बार पापा को देखो। तो दोस्तों फाइनली गाइस शाम के ना गाइस बच चुके हैं गाइस, अब 5 हो गए, 5 या 5:30 होते गाइस ना जू बंद हो जाता है। तो गाइस सारे गाइस बाहर को जा रहे हैं, तो हम भी बाहर को चलते हैं। तो गाइस अब वीडियो गाइस कैसे लगी कमेंट करके बताना, और गाइस आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी आपको, ठीक है। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बाहर को और इसको जाएंगे घर पर, ठीक है। तो गाइस आज का दिन गाइस बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, आशा करता हूं आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बहुत इंजॉय किया होगा आपने मेरी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। तो गाइस फाइनली एग्जिट पॉइंट पर आ चुके हैं हम, यहाँ से गाइस बाहर जाएंगे, ठीक है। ये सब तो गाइस एग्जिट पॉइंट है पीछे मेरे। तो दोस्तों फाइनली गाइस जू से बाहर आ चुके हैं। तो गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। तो गाइस नवा साल का नवा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना, और नेक्स्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद जय भारत दोस्तों।